चलिए एक और बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर रमन सिंह के आरोप पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा रमन से माफी मांगे, रमन सिंह अपने आरोप पर तथ्य पेश करें, तथ्य पेश नहीं करने पर रमन से माफी मांगे, माफी नहीं मांगेंगे तो मानहानि का दावा करूंगा। रमन सिंह ने सीएम भूपेश को कांग्रेस का एटीएम कहा था, तो ये बड़ा पलटवार सीएम भूपेश बघेल ने करते हुए ये कहा है कि रमन से माफी मांगे। उन्होंने जो भी बयान दिया है उस बात को लेकर वे माफी मांगे, अगर वे माफी नहीं मांगते हैं तो मैं मानहानि का दावा करूंगा। आपको बता दें कि रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल को कांग्रेस का एटीएम कहा था, जिसके बाद सीएम भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने ये कहा है कि रमन सिंह अपने इस बयान को लेकर माफी मांगे, अगर वे माफी नहीं मांगते हैं तो मानहानि का दावा भी करेंगे। उन्होंने कहा है कि पहले रमन से तथ्य पेश करें और माफी मांगे। रमन सिंह जी जो बयान दिए हैं वो घोर आपत्तिजनक है। जो कहते हैं कि सोनिया गांधी जी के एटीएम है, वो कहते हैं कि 25 रुपए टन कोयला ले रहा है, प्रमाणित करे अन्यथा सार्वजनिक उससे माफी मांगे, नहीं तो उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसके खिलाफ मानहानि दावा भी करूंगा मैं। तो ये खबर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये वार पलटवार का सिलसिला, जहां पर पहले रमन सिंह ने ये बोला था सीएम भूपेश बघेल को कि वे कांग्रेस का एटीएम है, जिस पर पलटवार करते हुए अब सीएम भूपेश बघेल का बयान यहां पर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पहले आप तथ्य पेश करें और अगर आप तथ्य पेश नहीं कर पाए तो माफी मांगे। सीएम भूपेश बघेल ने रमन सिंह से माफी मांगने को कहा है, अगर वे माफी नहीं मांगते हैं तो वे मानहानि का दावा करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दे रायपुर से, जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने रमन सिंह से माफी मांगने को कहा है और ये भी कहा है कि पहले आप तथ्य पेश करें और अगर आप तथ्य पेश नहीं कर पा रहे हैं तो माफी मांगे। चलिए इसी खबर पर सौरभ सिंह परियार हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, वार पलटवार एक बार फिर से रमन सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा, अब उसकी प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है यहां पर। बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे चुनाव की तारीख जो है नज़दीक आती जा रही है, तारीख अर्थात समय जो है 2018 के बाद अब 2023 में चुनाव होने हैं, लगभग सवा साल बाकी है। इससे पहले कि आप देखिए कि दोनों पार्टियों के बड़े नेता जो है आमने सामने हो चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया था कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस और सोनिया गांधी के लिए एटीएम बन गए हैं। ये आरोप कई बार जो है भाजपा के नेता जो है लगाते रहे, लेकिन पहली बार जो है इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर ये बात बयान अगर दिया है रमन सिंह ने तो रमन सिंह को सबसे पहले तो तथ्य पेश करना चाहिए कि अगर मैं एटीएम हूं तो किस तरीके से हूं। अगर किस तरीके से ये बात वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि पूरा रमन सिंह का बयान जो है घोर आपत्तिजनक है। उन्होंने कहा अगर तथ्य पेश नहीं करेंगे तो सार्वजनिक माफी मांगे, अगर सार्वजनिक माफी नहीं मांगेंगे तो मैं मानहानि का दावा ठोकूंगा। तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से बयानबाजी के बाद अब जो है कानूनी जो पेचीदगी है उस पर लड़ाई जो है शुरू हो गई है कांग्रेस और भाजपा के बीच। और निश्चित रूप से दो प्रमुख आरोप जो है लगातार जो भाजपा के नेता लगाते रहे हैं कि प्रति टन कोयले से 25 रुपया जो है वो सरकार को जाता है और कांग्रेस का एटीएम जो है भूपेश बघेल है, इस दोनों पर जो है। आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे साथ भाजपा से केदार गुप्ता जी जुड़ गए हैं। एक बड़ा बयान सामने आ गया और आपकी पार्टी ने ही ये बड़ा बयान दिए कांग्रेस को लेकर, सीएम भूपेश बघेल को कांग्रेस का एटीएम कह दिया है, क्या वाकई ऐसा लगता है आपको? नहीं देखिए, इसमें गलत कहां है। अगर उत्तर प्रदेश में किसान की मृत्यु होती है तो 50 लाख रुपए छत्तीसगढ़ से जाता है एक एक किसान को, और 3-4-5 किसान थे। अगर असम में चुनाव होता है तो हमारे नेता फ्लाइट का टिकट छत्तीसगढ़ के पैसे से कटाते हैं और आसाम जाते हैं कार्यक्रमों में। अगर ईडी की कार्रवाई राहुल गांधी जी सोनिया जी पे होती है तो पूरा हवाई जहाज भर के यहाँ से लोग दिल्ली जाते हैं। तो आखिर पैसा लगता है कि नहीं लगता है बताइए मुझे, ये सब काम के लिए है क्या छत्तीसगढ़ का पैसा?
उस परिपेक्ष में अगर कहा गया है तो क्या गलत है? आज ईडी की अगर कोई संबंध गया सोनिया जी को, राहुल जी को, और उसमें पूरा हवाई जहाज भर के यहाँ से लोग जाते हैं, एक बार नहीं दो दो तीन तीन बार, अगर दूसरे प्रदेशों में किसी किसान की मृत्यु होती है तो यहाँ से उसका मुआवजा जाता है, तो इसको और क्या कहेंगे? जी, हमारे साथ कांग्रेस से सुशील आनंद शुक्ला जी भी जुड़ गए हैं, आपसे ही प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। पूरा मामला तो जैसा कि आपको पता ही है, एक बार बड़ा मतलब आरोप लगा दिया गया है कांग्रेस पर। सुशील जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, तो ये बड़ा बयान सामने आया है जहां पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने कांग्रेस में सीएम भूपेश बघेल को कांग्रेस का एटीएम कह दिया है, जिस पर सियासत गर्मा गई है और प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि पहले रमन सिंह अपने तथ्य पेश करें, और अगर वे तथ्य पेश नहीं कर पाते हैं तो वे माफी मांगे, और अगर वे माफी नहीं मांगेंगे तो मानहानि का दावा मैं करूंगा। चलिए, तो हमारे साथ एक बार फिर कांग्रेस से नेता जुड़ गए हैं, उनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। केदार हमारे साथ जी जुड़ गए हैं, जी आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। भाजपा से केदार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, कांग्रेस पार्टी का पूरा अगर किसी भी प्रकार का कोई आयोजन हो रहा है देश में, तो यहां से नेता जा रहे हैं, यहां से आयोजन में आने जाने का खर्चा हो रहा है, तो मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ के धन का दुरुपयोग हो रहा है, और छत्तीसगढ़ महतारी का जो पैसा है वो छत्तीसगढ़ के युवाओं का है, छत्तीसगढ़ के किसानों का है, और पूरे देश में नेता घूम घूम कर, और मैं कहूंगा छत्तीसगढ़ के धन को बर्बाद कर रहे हैं। मुआवजा छत्तीसगढ़ में दीजिए ना, कौन मना किया है? किस लिए आप पूरे देश में मुआवजा बांटने का काम कर रहे हैं? क्या छत्तीसगढ़ का धन इसीलिए? कौन से पैसे से मुआवजा जा रहा है? वो सीधी बात है, छत्तीसगढ़ के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, और इस परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि छत्तीसगढ़ में किसानों को मुआवजा तो मृत्यु पर नहीं दिया जाता, पर पूरे देश में मुआवजे की चिंता की जाती है। जी, हमारे साथ कांग्रेस से भी सुशील आनंद शुक्ला जी जुड़े हैं, उनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जो भी कहा केदार गुप्ता जी ने, आपने सुना, आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? उन्होंने क्या कहा मैंने नहीं सुना, मुझे बाद में पेश किया, क्या कहा आप पूछिए। उन्होंने मुझसे क्या कहा मैंने नहीं सुना, मुझे बाद में पेश हुआ हूँ, क्या उन्होंने कहा पता? जी जी, उनका कहना है कि मुआवजा भी नहीं मिल रहा है छत्तीसगढ़ में किसानों को, और कांग्रेस लगातार पैसे बर्बाद करते आ रही है। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी दलाल किस्म के, व्यापारी किस्म के, भारतीय जनता पार्टी कमीशन खोर किस्म के लोगों के पीछे पैसा बर्बाद करती थी। हमारी सरकार किसानों को उनकी उपज की पूरी कीमत दे रही 25 रुपए, हमारी सरकार ग्रामीण किसान न्याय योजना के माध्यम से मजदूरों को पैसा दे रही है, हमारी किसान तेंदुपत्ता संग्राहकों को पैसा दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के समय कमीशन खोरों के पास पैसा जाता था, भारतीय जनता पार्टी के समय सत्ता के दलालों के पास पैसा जाता था, भारतीय जनता पार्टी के समय नाम घोटाले बाजों के पास पैसा जाता था, भारतीय जनता पार्टी के समय पनामा पेपर के माध्यम से विदेशों में पैसा रखा जाता था, भारतीय जनता पार्टी के समय गरीबों के अस्पताल में डीटीएस घोटाला होता था। कांग्रेस की सरकार में इस प्रकार का कोई भी घोटाला नहीं हो रहा है। जहां तक किसानों के मुआवजा का सवाल है, तो छत्तीसगढ़ देश का अकेला ऐसा राज्य है जहां पर किसानों की आत्महत्या का दौर समाप्त हुआ है। 15,000 से अधिक किसान छत्तीसगढ़ में आत्महत्या करते किए थे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। हमारे राज्य में कितना मुआवजा दिया गया? इनको पीड़ा होती है कि इनको पीड़ा होती है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने इनके द्वारा मारे गए किसान को जाके 50 लाख क्यों दिया? अरे भाई, आपका केंद्रीय मंत्री का पुत्र किसान को जाकर रौंदता है, अपने ट्रैक्टर के जीप के तलो जाकर उसकी हत्या करता है, तो ऐसे समय ये प्रदेश का मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ की तरफ से संवेदना व्यक्त करता तो भारतीय जनता पार्टी की पीड़ा क्या होती? अरे आप तो वहां पे जो मारा गया किसान उसके प्रति संवेदना व्यक्त करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के लोग उसके बचाव में खड़े, आज तक उसको केंद्रीय मंत्री बना के रखे हुए हैं। सद मानी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि हत्यारों के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। जी, प्रतिक्रिया ले लेते हैं केदार जी से। मैं फिर से कहूंगा कि अगर ईडी का संबंध सोनिया जी को और राहुल जी को जाता है, तो हवाई जहाज भर भर के यहाँ से जो नेता वहां धरना प्रदर्शन के लिए जाते हैं, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के पैसे से ही जाते हैं, और अगर इसका दुरुपयोग कांग्रेस पार्टी के लिए होता है और दूसरे प्रदेश में मुआवजा बांटने के लिए होता है, तो मैं फिर से कहूंगा
कि छत्तीसगढ़ की धन संपदा का यह दुरुपयोग करने वाली कांग्रेस पार्टी है, और निश्चित रूप से अगर ये धनराशि हमारे यहाँ किसान भाइयों को डीएपी यूरिया और बेरोजगारी भत्ता देने नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देती तो उस पैसे का उपयोग हो सकता था। ये पैसा मुफ्त में पार्टी के धरना प्रदर्शन जी बिल्कुल। देखिए बयानबाजी और वार पलटवार का सिलसिला तो थमने नहीं वाला है, ये यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल तमाम जानकारी